चाट है, काफी सारी काफी खूबसूरत है। गुड मॉर्निंग माय व्लॉग फैमिली, आई होप यू आर वेरी वेल। एक्चुअली टाइम हो गया शॉप के लिए निकलने के लिए, तो चलिए मैं कहां आपको शॉप में। मुझे आप लोगों से एक शिकायत है कि आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखते नहीं है, तो प्लीज 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 वीडियो को लास्ट तक देखिए। चलिए मैं शॉप तो पहुंच गया हूँ। वेदर आज भी काफी क्लाउडी हो रखा है, आज भी लगता है बारिश होगी अच्छी तरीके से, बट ये तो टाइम से ही पता चलेगा क्योंकि यहाँ वेदर का कोई भरोसा नहीं है। अभी इतना क्लाउडी लग रहा है, हो सकता है थोड़ी देर बाद अच्छी से धूप आ जाए। मैं जा रहा हूँ चाय बनाने के लिए, कल काफी कस्टमर वेट कर रहे थे और कुछ तो रिटर्न हो गए। ये मैं दूध निकाल लेता हूँ और चलता हूँ चाय बनाने के। चाय रेडी हो गया है, अब सफाई कर लेता हूँ। कल काफी छोटे छोटे कीड़े आ गए थे, बट पता नहीं कहाँ से आए थे, समझ नहीं आ रहा था। यहाँ पर भी कीड़ा, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, पता नहीं कल कहाँ से कीड़ा आ गया अचानक से। चलिए कोई नहीं, इसे साफ कर लेता हूँ मैं। वेदर देख के तो लग रहा है कि आज मार्केट काफी अच्छा होगा। चलिए देखते हैं। धीरे धीरे गाड़ियां भी स्टार्ट हो गई है। कल जैसे आज का वेदर भी काफी बेहतरीन है बाहर का। यहाँ पर काका आ चुके हैं हमारे, दूध वाले भी आ गए। आज जल्दी आ गए, बढ़िया। चलिए दूध भी आ गए। मैं उनको रिक्वेस्ट किया था कि आप जब भी जाते हैं एक बार पूछ लीजिए कि मुझे लेना है कि नहीं। चाहे कभी कभी याद नहीं आता, बट हमें जरूरत रहती है। चलिए कोई ना, आज तो आ गए हैं, इसे मैं रख लेता हूँ फ्रिज में। उससे पहले मैं इसको नोट डाउन कर लेता हूँ, नहीं तो भूल जाऊँ। पहले उसे बाहर निकाल लेता हूँ, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा। इसको डाल देता हूँ मैं पीछे, ये आई थिंक आधा ही टावर पूरा खत्म ही हो गया था। अच्छा वो मैंने ले लिया। चलिए अब इसको रख देता हूँ मैं आगे ताकि कंफ्यूजन ना हो। ये हो गया सेटअप अपना। मॉर्निंग में ही कचरे की गाड़ी आ गई है। आई थिंक ये दो टाइम आती है, एक सुबह और शायद शाम को भी। ऑटो भी चालू हो गए हैं, छोटी गाड़ियां भी चालू हो गई है, बाइक्स भी स्टार्ट हो गए हैं, कार भी स्टार्ट हो गई है, सभी गाड़ियों का आने जाने स्टार्ट हो गए हैं। यहाँ पर देखिए झाड़ू लगने स्टार्ट हो गया है। आप बताइए इसको क्या बोलते हैं, जेसीबी बोलते हैं कि क्या बोलते हैं? भैया की गाड़ी खराब हो गई है, काफी दिनों के बाद ब्लैक टी का ऑर्डर आया है। वैसे तो ये बन चुका है, अब मैं इसे पार्सल कर लेता हूँ। वीडियो अपलोड हो रहा है हमारा, हवाएं काफी तेज हो गई है और रोड पर भी काफी कम भीड़ दिख रही है आज। ये लाइट्स मैं बंद करना भूल गया था, चलिए इसे बंद कर लेते हैं। इतनी हवा चल रही है उसके बाद भी आज स्टैंडी एक बार भी नहीं गिरा है। आज बहुत दिनों बाद कोल्ड कॉफी का ऑर्डर आया था, मैं प्रिपेयर करके दे दिया, कस्टमर ने काफी अच्छा फीडबैक दिया। चलिए मैं अब नाश्ता कंप्लीट कर लेता हूँ। नाश्ते में रोटी और लौकी की सब्जी, बर्तनों को भी अच्छी तरीके से साफ कर लिया मैंने। आज वेदर में बिल्कुल भी चेंजेस नहीं है, वैसा का वैसा ही जैसे सुबह था वैसे अभी भी है। थोड़ी भी धूप नहीं निकली आज दिन भर में। आज का मौसम काफी सुकून भरा है। यहाँ पर देखिए शादी हो रही है, आई थिंक एक्चुअली आज शाम को हमने एक अच्छी जगह जाने का प्लान बनाया है। चलिए अगर मैं वहाँ जाता हूँ तो आपको जरूर दिखाता हूँ। दोपहर के एक बजते ही वेदर टर्न आउट हो गया, देखिए हल्की हल्की धूप आ गई है और वेदर जो क्लाउडी था वो काफी कम हो चुका है। हालांकि आज हल्की हल्की धूप है बट गर्मी उतनी नहीं है, मैनेज हो जा रहा है। फाइनली मैं घर आ गया हूँ, एक्चुअली मुझे थोड़ा काम था
जो ब्रॉडबैंड कनेक्शन के लिए आए थे उनको इंस्ट्रक्शन देना था, इंस्ट्रक्शन दे दिया उन्होंने कि कैसे कैसे करना है, बट अभी 2 से 3 दिन लगेगा उसको इंस्टॉल होने में, तो चलिए देखते हैं, अगर हो जाए तो बढ़िया है। निकला शॉप के लिए, आज का प्लेट हो गया, एक्चुअली हम आए थे ड्राई क्लीन के लिए, छोड़ दिया ड्राई क्लीन के लिए, उनको बता रहे हैं कि कैसे कैसे करना, कुछ एक दो दिन बाद ले लेंगे। ये गुपचुप वाले भैया काफ़ी अच्छे गुपचुप बनाते हैं, काफ़ी टेस्टी रहते हैं। देखिए काफ़ी हवा चल रही है, फाइनली हम लोग शॉप पहुंच गए हैं और काफी तेज हवा चल रही है। नीचे ये हैंगिंग के लिए रहता है, इसके ऊपर सोप रख सकते हैं, कुछ रख सकते हैं दूसरी जगह। एक्चुअली वहाँ पर हमें तो नहीं मिला, अब चलिए देखते हैं अगर मिल जाए तो। वहाँ का काम कंप्लीट करके हम आ गए हैं शॉप, अब मैं जा रहा हूँ सीधा घर, वहाँ से निकले के हम एक्वेरियम देखेंगे, चलिए मिलते हैं आपको सीधा वहीं। एक घंटे बाद ये छोटी छोटी मछली, बट यहाँ पर कहीं भी स्पेसिफिक नेम नहीं है। देखिए ये है यूनिक चीज जो कभी कभी देखने को मिलता है, काफी खूबसूरत है। यहाँ पर है बड़ी मछली, ये भी दिखने में काफी खूबसूरत थी बट क्वांटिटी यहाँ पर कम थी। ये देखिए देखिए यहाँ पर शार्क है काफी सारी, गर्मी काफी थी बट 100 रुपीज के हिसाब से वर्थ इट नहीं हुआ। फाइनली हम लोग घर पहुंच गए हैं, आज काफी ज्यादा भीड़ थी, एक्चुअली हम कल भी गए थे बट एक्वेरियम में इतनी ज्यादा भीड़ थी कि हमें टिकट ही नहीं मिला, तो फिर हम वापस आज गए थे बट आज हमें टिकट मिल गई तो हम चले गए। आज भीड़ थोड़ी कम थी कल से,
कल तो इतनी ज्यादा भीड़ थी कि मैं बता नहीं सकता हूँ। आज हमने काफी अच्छी तरीके से देख लिया और हम वापस घर भी आ गए हैं, काफी लेट हो चुका है। तो आज का वीडियो यहीं पर एंड करता हूँ मैं। गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू, स्टे हेल्दी, बी हैप्पी। और अभी तक इस फैमिली का हिस्सा नहीं बना तो नीचे जाओ, सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके इस फैमिली का हिस्सा बन जाओ और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना भूलिएगा। आप में से बहुत से लोग वीडियो तो देखते हैं बट चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल के साथ जुड़ते रहिए। चलिए मिलते हैं कल एक और नए वीडियो के साथ।